आदित्य ने अपर्णा के सामने रेवती से शादी के बारे में हाँ करके उसकी सारी हिम्मत छीन ली थी। अनुराग ने आदित्य से उसके वापस लौटने के बारे में पूछा तो आदित्य ने उन्हें बताया कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। डॉक्टर समर ने अपर्णा को शुभम के ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ी सारी बातें उसे समझाई और ये कहा कि वो अब ऑपरेशन तक शुभम को नहीं देख पाएगी। अपर्णा बाहर निकलकर रो पड़ी। अपर्णा ने अपना सिर उठाया तो देखा कि वो हाथ किसी और के नहीं बल्कि आदित्य के ही थे। अपर्णा के दिल में एक उम्मीद सी जागी कि शायद आदित्य उसके पास लौट आया हो, लेकिन अगले ही पल जो उसने आदित्य की आंखों में देखा तो उसे वहां पर प्यार क्या, अपनेपन का कोई निशान भी नहीं दिखा। अपर्णा का दिल एक बार फिर से तड़प उठा। कोई ऐसे अचानक से इतना कैसे बदल सकता है कि उसकी पूरी शख्सियत बदल जाए। अपर्णा ने अपनी नजरें झुकाते हुए आदित्य के हाथ से बड़ा हुआ टिश्यू पेपर थाम लिया। उसने टिश्यू से अपनी आंखें और चेहरा साफ किया और फिर नजरें झुकाए हुए ही बोली, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। तब आदित्य ने कुछ नागवारी से कहा, हमारा बेटा। अपर्णा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। फिर जैसे उसे अचानक से कुछ ध्यान आया और वो एकदम से उसके सामने खड़ी हो गई। घबराहट में उसने एकदम से आदित्य की बांह थाम ली और बोली, कहीं आप मेरे बेटे को मुझसे दूर तो ले जाने के लिए नहीं आए हैं? प्लीज ऐसा करने की सोचना भी मत। मेरा बेटा मेरे जीने का आखिरी सहारा है और आप अपनी माँ से भी कह दीजिएगा कि वो मेरे बेटे को मुझसे ना छीने। मैंने सारे दुख बर्दाश्त किए सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे मेरे बेटे की जिंदगी प्यारी थी, लेकिन मैं उसी का अलग हो जाना कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अपर्णा घबराहट में न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। आदित्य ने सीरियस लहजे में कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा। कहते हुए उसने अपना हाथ अपर्णा के हाथ पर रख दिया। वो जानता था कि उसका एक टच ही अपर्णा के लिए किसी मरहम से कम नहीं होगा। उसके बाद आदित्य ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं शुभम पर कोई दावा नहीं करूंगा, ना ही मेरी माँ, और ये भी कि फ्यूचर में हमारी तरफ से तुम्हारी जिंदगी में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। हालांकि इस बात से अपर्णा को सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन ये सुनकर अपर्णा का दिल कचोट से भर गया। आदित्य के वापस लौटने की उम्मीद एक बार फिर से टूट चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि आदित्य ने ये रास्ता उसकी रजामंदी से चुना है और इस बारे में उसे शिकायत करने का कोई हक नहीं था। शुभम की कीमोथेरेपी को 10 दिन गुजर चुके थे और इन 10 दिनों में उसकी हालत सही नहीं हो रही थी। वो खाने के तौर पर कुछ भी पचा पाने में नाकाम था। लगातार होती वॉमिटिंग उसे और कमजोर किए जा रही थी। अपर्णा अब उसकी हालत के बारे में अपडेट लेती तो उसे ये सब सुनकर ऐसा लगता कि वो उसे इस तकलीफ से कहीं दूर, बेहद दूर लेकर चली जाए, जहां पर उसे ये सब सहन न करना पड़े। लेकिन अपर्णा के सोचने से कुछ भी नहीं हुआ और इसी तरह शुभम ने सब कुछ झेलते हुए फाइनली अपनी जिंदगी में वो दिन भी देखा जब रेवती के सेल्स शुभम में डाल दिए गए। लेकिन अभी भी असली इम्तिहान बाकी था कि शुभम की बॉडी रेवती के सेल्स एक्सेप्ट करती है या नहीं। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था जैसे शुभम जल्दी ये लड़ाई हार जाएगा, क्योंकि उसकी वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम अभी तक वैसे की वैसे ही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये सब कम होता गया और फाइनली वो दिन भी आ गया जब डॉक्टर ने अच्छी खबर सुनाई। उसके ऑपरेशन को 1 महीना गुजर चुका था और अब वो धीरे धीरे वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहा था। वो अपर्णा के लिए सबसे खुशी का दिन था जब समर ने उसे बुलाकर कहा कि अब वो अपने बेटे से मिल सकती है। अपर्णा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भागती हुई शुभम के कमरे में पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, तभी उसे ग्लास वॉल के थोड़े हटे हुए पर्दे से अंदर का नजारा देखने को मिला। शुभम के सिरहाने बैठा वो आदित्य था। अपर्णा तब तक दरवाजे को धक्का दे चुकी थी। उसे अंदर से आते हुए आवाज सुनाई दी। वो शुभम को सिंड्रेला की कहानी सुना रहा था। इस तरह आखिर में सिंड्रेला और उसका राजकुमार खुशी खुशी एक साथ जिंदगी बिताने लगे। अपर्णा ने ये सुनकर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। वो अभी अंदर जाकर बाप बेटे के बीच के मोमेंट्स को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बाहर निकल जाना ही बेहतर समझा। उसे पता था कि अब एक परिवार के रूप में उन तीनों का एक साथ वक्त गुजारना लगभग नामुमकिन है। अपर्णा बाहर लगी विजिटर चेयर पर जा बैठी थी।
तभी उसे शुभम की मासूम सी आवाज सुनाई दी। डैड, क्या सिंड्रेला की तरह हमारी फैमिली भी हमेशा एक हैप्पी फैमिली बनकर रहेगी? शुभम के सवाल पर कमरे के बाहर बैठी अपर्णा का दिल दुख से तड़प उठा था, जबकि उसके कान पूरे ध्यान से बाप बेटे के बीच की बातें सुन रहे थे। अंदर आदित्य ने उसका सर अपने कंधे से टिकाया और धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, तुम और तुम्हारी माँ हमेशा एक खुशहाल जिंदगी जीने वाले हो। ये सुनकर शुभम ने झट से अगला सवाल किया, और आप? आपने अपने बारे में नहीं बताया, क्या आप हमारे साथ खुश नहीं रह पाएंगे? ये सुनकर आदित्य का दिल तड़प कर रह गया। उसने कुछ देर की खामोशी के बाद एकदम से उठकर शुभम को बिस्तर पर लिटाया और उसके चारों तरफ कंबल अच्छे से लपेटने के बाद बोला, डैड की लाइफ में अभी खुशियां समेटने का वक्त नहीं है बेटा। डैड को अभी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आपको अच्छा करने के लिए डैड ने बहुत मेहनत की है, तो डैड को कुछ दिनों के लिए अपने काम पर ध्यान देना होगा। शुभम ने गौर से उसका चेहरा देखते हुए कहा, और काम खत्म होने के बाद? आदित्य से इस सवाल के जवाब का सिर्फ शुभम ही नहीं बल्कि बाहर बैठी अपर्णा भी इंतजार कर रही थी। आदित्य ने लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से उसके कमरे की चीजें ठीक करता रहा। जब शुभम ने एकदम से हाथ बढ़ाकर आदित्य का हाथ थाम लिया और पूछा, क्या डैड शुभम और माँ को छोड़ देंगे? उसके सवाल पर आदित्य ने एकदम से झुककर उसे गले से लगा लिया और रुंधाई हुई आवाज में बोला, नहीं, कभी भी नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुभम और माँ कहाँ रहते हैं, डैड हमेशा आप दोनों की सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, आप दोनों पर कोई परेशानी नहीं आने देंगे, ये डैड का वादा है। शुभम ने ये सुनकर एकदम से आदित्य को खुद में भींच लिया था, जबकि बाहर बैठी अपर्णा के चेहरे पर रोते रोते इस वक्त एक सुकून भरी मुस्कुराहट बिखर गई थी। अभी वो बाहर बैठकर आदित्य के निकलने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी नर्स ने खाने की ट्रे लेकर अंदर जाने की कोशिश की। दरवाजे पर आहट मिलते ही अब शुभम की नजरें भी दरवाजे की तरफ उठी और उसकी नजरें अपर्णा पर पड़ी तो उसने खुशी से कहा, माँ प्लीज अंदर आइए ना। अपर्णा कुछ हिचकिचाते हुए नर्स के साथ अंदर चली आई, तभी आदित्य ने उसके हाथ से खाने की ट्रे लेकर कहा, आप जाइए सिस्टर, शुभम को मैं खाना खिला दूंगा। ये सुनकर शुभम ने हल्के से क्लैपिंग करते हुए कहा, ये आज शुभम डैड के हाथ से खाना खाएगा। अपर्णा ने शुभम को ऐसे खुश देखा तो धीरे से बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस ट्रांसप्लांट के लिए रेवती को राजी कर लिया था। आदित्य ने ये सुनकर कहा, मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया है, और कम से कम एक बाप का अपने बेटे के लिए कुछ करना शुक्रिया के लिए बिल्कुल नहीं होता। मुझे वैसे भी इस शब्द से नफरत है, इसलिए आइंदा मुझे ऐसी किसी बात के लिए थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। अपर्णा ने जवाब में धीरे से सर हिला दिया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। वैसे भी अगर उसके पास जवाब होता भी तो भी शायद वो भी शुभम के सामने ऐसी कोई बात नहीं कह सकती थी जिससे शुभम इस बात का अंदाजा लगा पाता कि उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। आदित्य शुभम को खाना खिलाने लगा था, जबकि अपर्णा वही कॉर्नर में लगे सोफे पर बैठी हुई थी। आदित्य के साथ रेवती को देखकर उसे एक ही बात परेशान करती थी, माना कि उसे शुभम की वजह से रेवती से शादी करनी पड़ी थी, लेकिन उसने अपना रवैया ऐसा क्यों कर लिया था? वो अपर्णा से ठीक से बात करके भी तो अपनी शादी निभा सकता था, या फिर उसे इस बात की झिझक थी कि वो किसी दूसरे का पति है। उसने मन ही मन एक ठंडी आह भरी और आदित्य से ख्यालों में कहा, काश मिस्टर ओबेरॉय मैं आपकी तरह सख्त दिल हो पाती, मुझे भी आपकी तरह हालात से लड़ने का हुनर आता। मैं ये जाहिर कर पाती कि मुझे आपसे दूर जाने का ना तो कोई दुख है और ना ही कोई मलाल। अपर्णा लंबी छुट्टी के बाद आज लगभग 1.5 महीने बाद ऑफिस पहुंची थी। जॉइनिंग की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपर्णा ने अभी अंदर केबिन में कदम रखा ही था कि तभी अंतरा ने उसे आकर एकदम से गले लगा लिया और बोली, वेलकम बैक अपर्णा। अपर्णा ने भी उसे भींच कर कहा, थैंक यू सो मच अंतरा, मुझे खुशी है कि मैंने एक बेहतरीन वर्क प्लेस चुना है। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया,
ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। अंतरा ने धीरे से उससे अलग होते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कलीग के लिए कोई भी फेवर करना खुशी की बात है। फिर वो अपर्णा के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए शुभम की तबीयत के बारे में पूछने लगी। कुछ देर बातचीत के बाद जैसे ही अपर्णा ने रोहन सर का कुछ जिक्र किया, वैसे ही अंतरा ने अपने सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, मैं तो भूल ही गई, मुझे अभी रोहन सर ने ही तुम्हारे पास भेजा था, उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तब अपर्णा ने हंसते हुए उसे कहा, भुलक्कड़ कहीं की। और फिर दोनों एक साथ ही केबिन से निकल गई। अपर्णा जब रोहन सर के केबिन में पहुंची तो उसे लगा था कि शायद वो उसे किसी एक क्लाइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन उन्होंने अपर्णा को सामने बैठने का इशारा किया और फिर कहा, मिस अपर्णा, आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक दूसरी कंपनी के साथ इस कंपनी को मर्ज कर लिया गया है। आपके जाने के बाद हाल ही में मुझसे कॉन्टेक्ट किया गया था। उनकी कंपनी के ब्रांचेस दुनिया भर में फैले हुए हैं और उन्हें एक ब्रांच यहाँ शिमला में भी खोलना था, तो उन्होंने एकदम जीरो से शुरू करने की बजाय किसी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी को अपनी फ्रेंचाइजी देने के बारे में तय किया। ये ऑफर इतना अच्छा था कि मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाया। अपर्णा ने ये सुनकर खुश होते हुए कहा, वाओ सर, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे बिजनेस को दुनिया भर का एक्सपोजर मिलेगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। कंपनी की इस पोजीशन पर हम सारे एम्प्लॉय पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे और इंडिविजुअल मुझसे जो भी बन पड़ेगा, मैं अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए अपना 100% दूंगी। उसकी बात सुनकर रोहन ने खुश होते हुए कहा, अच्छा, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस कंपनी की मर्जिंग में अहम रोल निभाएं। एक्चुअली कंपनी की ये पॉलिसी है कि जितनी भी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच से वो एक कैंडिडेट अपने हेड ऑफिस में अपॉइंट करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारी ब्रांच से ये जिम्मेदारी आप निभाएं। ये सुनते ही अपर्णा सोच में पड़ गई। क्या तकदीर ने अपर्णा और आदित्य को एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर करने का आखिरी फैसला भी सुना दिया? जानने के लिए सुने कमबख्त मोहब्बत का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।